तो चलो प्यारे बच्चों, अगर इस वाले सवाल को हम लोग सॉल्व करेंगे तो बेसिकली अगर मैं इस वाले क्वेश्चन को देखूं तो ये कहते हैं ये एक क्रिकेट बॉल है। अगर इस क्रिकेट बॉल को मैं इधर हिट करूंगा, यहाँ से अगर एक क्रिकेट बॉल है और जिसके पास यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कुछ के है, ठीक है, और अगर मैं इसको 30 डिग्री हिट किया यहाँ से 30 डिग्री, तो ये क्रिकेट बॉल पैराबोलिक पाथ में ऐसे जाएगा और यहाँ पे लैंड करेगा। तो ये कहते हैं ये जो हाईएस्ट पॉइंट है, ये जो वाला हाईएस्ट पॉइंट है बी पॉइंट, इस पे इसकी वेलोसिटी हम सबको पता है, अगर यू से हिट किए थे तो यहाँ पे यू कॉस थीटा होता है और ये वाली जो वेक्टर है बच्चों वो होता है यू साइन थीटा। तो यू साइन थीटा और यू कॉस थीटा, तो ये वाली जो वेलोसिटी होती है यू कॉस थीटा होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, क्योंकि यहाँ वाई एक्सिस में वेलोसिटी जीरो होती है, आई होप कि सबको पता होगा। तो कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो काइनेटिक एनर्जी जो ए पॉइंट पे होगा वो होगा हाफ एम यू स्क्वायर, ठीक है, और इस सब की वैल्यू के है। और ध्यान रखना है यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है सबसे ज़्यादा, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट अगर बी पॉइंट पे देखोगे काइनेटिक एनर्जी, तो बी पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी तो हाफ एम और वेलोसिटी आप पॉइंट बी का स्क्वायर, ठीक है, तो हाफ एम वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी का स्क्वायर मतलब यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो यू कॉस थीटा हाफ एम यू और कॉस 30 का होल स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हाफ एम यू स्क्वायर और कॉस 30 साइन 60 √3/2 का होल स्क्वायर, मतलब ये आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी एट द पॉइंट बी जो दिखेगी वो दिखेगी हाफ इसको, इस वाले को मैं के लिख सकता हूँ, K3K/4। तो दिस इज द फाइनल सोल्यूशन, ये इसका आंसर है। तो 3K/4 दैट इज डी ऑप्शन हम लोग का मैच कर जाता है। धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी और ये काइनेटिक एनर्जी हाईएस्ट पॉइंट पे ध्यान रखना मिनिमम होता है, इससे कम काइनेटिक एनर्जी नहीं होता है। थैंक यू।